सो हेलो एंड नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कुछ की हाइलाइटिंग पॉइंट्स अबाउट दी अपकमिंग मारुति सुजुकी अर्टिगा एंड एक्सेल 6 फेसलिफ्ट। इन दोनों गाड़ियों का फेसलिफ्ट आने वाला है बहुत जल्द। और इसका एक जो टीज़र है ना, वो मैंने शेयर किया था ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। इवन एक्सेल 6 का भी टीज़र आया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं ऑन द नेक्स्ट एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल। सो वहाँ पे आप लोगों को वो वीडियो अवेलेबल देखने को मिलेगा। तो अभी मारुति क्या कर रही है, एक के बाद एक एक अपने सारी गाड़ियों को अपडेट कर रही है विद द न्यू सेफ्टी नॉर्म एज वेल एज न्यू अपग्रेडेशन एज पर द मार्केट कॉम्पिटिशन। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भाई अब एक एक करके गाड़ियाँ बहुत सारी आ रही है, तो अर्टिगा एक्सेल 6 को क्यों ना हम लोग देखें एक बार इन डेप्थ कि इनमें क्या नया मिलेगा और क्या नहीं। चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप लोगों के साथ जो भी डिटेल्स होंगी सारी मैं बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, जाके उस बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं फटाफट आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और मैं शेयर कर रहे हैं, ठीक है, पहले देख लीजिए तसल्ली से, उसके बाद लाइक वगैरह आराम से करते रहिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन द गो। चलिए दर्शकों शुरू करते हैं आज के ये वीडियो सेशन और बात करते हैं अबाउट द अपकमिंग मारुति सुजुकी अर्टिगा एंड द एक्सेल 6। इन दोनों गाड़ियों के बारे में मैं क्या ही बोलूं, दोनों गाड़ियां है तो बिल्कुल सेम, एकदम आइडेंटिकल कॉपी है एक दूसरे की, लेकिन इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो पहले आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं और उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगी कि यार इन दोनों में से कौन सी गाड़ी को कंसिडर हमें करना चाहिए और क्यों कंसिडर करना चाहिए और जो नई वाली मॉडल्स हैं उनमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। देखिए जो मेजर डिफरेंसेज हैं इन दोनों गाड़ी में वो है इन दोनों गाड़ी के लुक्स, स्पेशली फ्रॉम द फ्रंट साइड लुक, रियर लुक दोनों ही गाड़ियों के सेम है। कलर स्कीम्स दोनों में अलग अलग है और डीलरशिप नेटवर्क दोनों के अलग अलग है। जहाँ पे मारुति सुजुकी अर्टिगा बिकती है फ्रॉम द मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप, वहीं पे एक्सेल 6 बिकती है फ्रॉम द नेक्सा डीलरशिप। तो प्रीमियम गाड़ियों के लिए भाई नेक्सा बनी है और रेगुलर जो मारुति गाड़ी है वो बिकती है फ्रॉम द अरीना डीलरशिप। तो यहाँ पे अर्टिगा को एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि हाँ यार जो लोग नेक्सा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लगता है हर एक गाड़ी के ऊपर, वहीं पे अरीना की जितनी भी गाड़ियाँ उनमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। दूसरी चीज़ कि भाई आपकी जो अर्टिगा है वो आती है इन द फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑप्शन एज वेल अलॉन्ग विद द पेट्रोल इंजन। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट है टुवर्ड्स द अर्टिगा। और एक्सेल 6 में आपको सीएनजी नहीं मिलता और मे बी आएगा भी नहीं आगे जाके सीएनजी, मे बी कह नहीं सकते, फिंगर्स क्रॉस्ड अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बलिनो में सीएनजी आने वाला है, तो शायद से एक्सेल 6 में भी सीएनजी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। आफ्टरऑल मारुति की गाड़ियाँ यार फ्यूल एफिशिएंसी को सबसे ज़्यादा प्रायर लेवल पर रखते हैं, बोलो सेफ्टी को भी अब काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंटेशन करनी शुरू कर दी है उन्होंने। लेकिन जो करंट सिनेरियो है एक्सेल 6 या अर्टिगा का वो है कि अर्टिगा ने तो स्कोर कर लिया है 3 स्टार इन द ग्लोबल एंड कैप क्रैश टेस्ट रेटिंग, एक्सेल 6 ने स्कोर नहीं किया। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि यार सेम प्लेटफॉर्म में दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी भी सेम टू सेम ही निकलेगी, लेकिन देखना ये होगा कि अब की बार कितना स्कोर करती है। क्यों की, क्योंकि अभी मैं आगे बताता हूँ क्यों, उसके भी कुछ रीजंस है, अभी क्या क्या नया मिलेगा वो भी बताता हूँ। देखिए इन दोनों गाड़ियों में इंजन तो सेम आता है, 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आता है आपको एक्सेल 6 में, वहीं पे आपको अर्टिगा में भी 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आता है इन द पेट्रोल मॉडल, नॉट इन द सीएनजी, ओनली जस्ट विद द पेट्रोल मॉडल। दोनों गाड़ियों में ये छोटे मोटे डिफरेंसेस थे एंड सिमिलैरिटीज थी, मैंने बता दी। अब ये देखना कि भाई लुक्स आपको किसके पसंद आते हैं, अर्टिगा या एक्सेल 6। भाई मुझे तो दोनों ही गाड़ियों के पसंद है। देखिए दोनों ही गाड़ियों के अलग अलग सेट ऑफ कस्टमर्स हैं, जिनको चाहिए भाई अपने ज़्यादातर कमर्शियल यूजेज के लिए गाड़ियाँ तो वो अर्टिगा को प्रेफर करेंगे, और सीएनजी में चाहिए देन अर्टिगा इज द परफेक्ट चॉइस इन द एमपीवी कैटेगरी। और अगर आपको ब्रांड वैल्यू वगैरह देखना है तो मारुति से आगे कोई है ही नहीं, साफ सीधी बात है। अगर आप बात करते हैं एक्सेल 6 की तो वहाँ पर थोड़ा प्राइस बढ़ा हुआ होता है, गाड़ी थोड़ी प्रीमियम है देन द अर्टिगा, चाहे वो इंटीरियर हो एक्सटीरियर हो, इस वजह से उसको लोग खरीदते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में, उसकी सेल भी इतनी ज़्यादा नहीं है जस्ट लाइक द अर्टिगा। सो ये है कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स बिटवीन बोथ दिस कार्स। अब बात करें तो नया क्या मिलेगा, देखिए मारुति सुजुकी बहुत जल्द लेके आने वाली है एक ऑल न्यू इन हाउस डेवलप्ड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जो 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को रिप्लेस करने वाला है बहुत जल्द। और उसकी जो एक टीज़र है मैंने आप लोगों को शो कर दिया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कि भाई हाँ मारुति सुजुकी ने एक वीडियो जारी की है फॉर बोथ एक्सेल 6 एंड अर्टिगा। मैंने अर्टिगा का वीडियो क्या बोलते हैं आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन अभी एक्सेल 6 के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताए। लेकिन दोनों गाड़ियों में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे जो कि फर्स्ट इन द सेगमेंट होगा स्पेशली फॉर द मारुति सुजुकी
क्योंकि यही इंजन आपको ब्रेजा में भी देखने को मिलेगा. सो वेरी एक्साइटेड टू सी दैट व्हाट्स अ न्यू रेवोल्यूशन. 6-speed टॉर्क कन्वर्टर विद पैनल शिफ्टर पहली बार होगा किसी मारुति गाड़ी में, ठीक है. सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. और पावर भी इंक्रीज होगी, मतलब कि अभी जो इंजन है 1.5 विद द 4-speed टॉर्क कन्वर्टर या 5-speed मैनुअल, तो वो जनरेट करती है 105 PS. जो नई वाली आएगी वो जनरेट करेगी 10 BHP ज़्यादा, मतलब 115 BHP एक्सपेक्टेड है. अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड यही है, सुनने में यही आया है, मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह सब पढ़ी. तो अभी तक यही मैं क्लैरिफिकेशन मिली है कि हाँ 115 BHP का पावर आएगा, जस्ट लाइक द किया कारेंस का जो पेट्रोल इंजन आता है उसके बराबर के ही पावर आपको देखने को मिलेगा. सो इन दोनों गाड़ियों में ये दोनों चीज़ें आएंगी, दोनों गाड़ियों में ये दोनों मेजर चीज़ें आएंगी. सेफ्टी में भी कई सारी चीज़ें आने वाली है. 6 airbags फॉर द टॉप मॉडल. XL6 में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अर्टिगा का भी कंफर्मेशन नहीं है. हाँ, दोनों गाड़ियों में कॉस्मेटिक चेंजेस भी देखने को मिलेंगे फ्रॉम द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टू. फीचर्स अपग्रेड होंगे, 360 degree कैमरा एंड न्यू इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है बोरो होगा फ्रॉम द बलिनो इन बोथ अर्टिगा एंड XL6. तो ये कुछ छोटे मोटे स्लाइट चीज़ें हैं जो कि गाड़ियों को और प्रीमियम बनाएंगी. एंड मारुति की जितनी भी गाड़ियाँ सारी अपग्रेड होती जा रही है वन बाय वन. सो ये थे कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स अभी तक जितना मुझे पता चला है. प्राइसिंग में भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होगा. XL6 थोड़ा और महंगा हो जाएगा, अर्टिगा भी थोड़ी और महंगी हो जाएगी क्योंकि नया इंजन है 1.5 जो कि अभी भी बिक रहा है. लेकिन जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो थोड़ा सा क्या होता है अपग्रेड किया गया है फ्रॉम द 4-speed टू द 6-speed. तो ये पहली 6-speed गियर बॉक्स होगी मारुति किसी गाड़ी में, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अब ये MPV सेगमेंट की जो कैटेगरी की गाड़ियाँ जितनी भी उन सब में बहुत ज़बरदस्त फाइट होने वाली है. एक तरफ है किया कारेंस, दूसरी तरफ है अर्टिगा, बीच में आ जाती है रेनॉल्ट ट्राइबर. ट्राइबर में ऑटोमेटिक नहीं आता लेकिन किया कारेंस और अर्टिगा में ऑटोमेटिक आता है. तो अब जो मेन फाइट है वो है अर्टिगा कारेंस के बीच में. XL6 के साथ अगर वो कम्पीट कर सकता है तो कारेंस कर सकती है, लेकिन कारेंस का मिड वेरियंट विद XL6 टॉप मॉडल. सो ये था कुछ अबाउट बोथ दीज कार्स. अभी जितनी भी और डिटेल्स होंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. टिल देन इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों की वीडियो. और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए, पुटिंग द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. सो मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे होम स्टे सेफ. अभी भी केसेस बढ़ने फिर दोबारा शुरू हो गए तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, संभल के रहिए. और ऐसी वीडियो के साथ आता रहूँगा, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय.